नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज का मैच अबू धाबी में शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा और आज किसके संभावना है जीतने की, क्या कुछ होगा या हो सकता है आज के मैच में, ये सब कुछ जानने से पूर्व हम कल के मैच की चर्चा करते हैं। कल का मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। कल का मैच बड़ा ही नीरस था, जिसके लिए राजस्थान रॉयल्स जानी जाती है और उनके नाम आईपीएल में एक रिकॉर्ड है स्कोर का पीछा करने का, और उन्होंने 226 रन बनाए थे स्कोर का पीछा करते हुए, और दूसरा रिकॉर्ड भी उनके पास है, 215 रन उन्होंने बनाए थे स्कोर का पीछा करते हुए। तो कल ये उम्मीद की जा रही थी कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग तो करेगी राजस्थान की टीम, और उन्होंने की भी, क्योंकि पीछा करने में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन स्कोर का पीछा करते हुए कुछ खास कर नहीं पाए। और कल जितना नीरस मैच था कि राजस्थान रॉयल्स जब से खेलने उतरी कहीं लगा ही नहीं कि ये मैच जीत पाएंगे। शुरुआत की थी राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को बुलाया था, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब बल्लेबाजी शुरू की तो बहुत ही संभल कर खेलते हुए, कल चौके छक्के बहुत कम लगे थे, और तो उन्होंने समझ लिया था कि ये मैदान थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि दुबई का मैदान बहुत बड़ा माना जाता है, और यहाँ पर चौके छक्के के बजाय सिंगल डबल लेकर के स्कोर को अगर रोटेट करते रहें तो एक समय तक स्कोर इतना पहुँच जाता है कि वहाँ पर टीमें सुरक्षित महसूस करती हैं। तो इस मैदान पर मैंने बताया था कि 170 से 75 रन अगर बना लेती है कोई टीम तो उसको हराना बड़ा ही मुश्किल होगा। कल हुआ भी वही, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 174 रन बनाए 6 विकेट खो करके, और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा, शुभम गिल ने 47 रन बनाए थे 34 गेंदों पर, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का लगाया था। नीतीश राणा ने 22 रन बनाए 17 गेंदों पर और 2 चौके और 1 छक्का लगाया था। आंद्रे रसेल ने 24 रन बनाए 14 गेंदों पर, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। योन मोर्गन ने 34 रन बनाए 23 गेंदों पर, 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे, और टोटल हुआ था 174 6 विकेट के नुकसान पर। तो जब बोर्ड पर 174 रन दिख रहे थे तभी लगने लगा था कि राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। राजस्थान रॉयल्स की टीम जब खेलने उतरी तो शुरुआत में ही झटके लगते रहे, दूसरे ओवर में ही इनके कप्तान स्टीव स्मिथ आउट हो गए, और उसके बाद तो विकेट रुक ही नहीं पाए, जब भी रन बनाने की कोशिश करते आउट हो जाते। शुरुआत जब राजस्थान रॉयल्स ने की थी जो पिछले मैचों की तर्ज पर की थी, ये पिछले मैचों में इन्होंने शुरुआत से ही 11-12 रन बनाना शुरू किए थे, और कल के मैच में भी इन्होंने पहले ओवर में 12 रन बना लिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद में फिर टीम लड़खड़ाती चली गई, स्कोर करने की कोशिश की, इसके बजाय ये करते कि सिंगल डबल लेने की कोशिश करते और स्कोर को रोटेट करते रहते तो शायद ये जीत की तरफ बढ़ सकते थे, लेकिन स्टेडियम बड़ा था, चौके छक्के मारना संभव नहीं था, इसलिए कल राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो जॉक बटलर थे, उन्होंने 21 रन बनाए 16 गेंदों पर, 1 चौका और 2 छक्कों की मदद से, और राहुल तवाटिया जो पिछले मैच में इन्होंने 5 छक्के मारकर राजस्थान रॉयल्स को जिताया था, कल कुछ खास नहीं कर पाए, 14 रन बनाए 10 गेंदों पर और इसमें सिर्फ एक ही छक्का लगाया था इन्होंने। टैम क्वेरन ने अच्छी बल्लेबाजी की, इन्होंने 54 रन बनाए 36 गेंदों पर, 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से। तो ये कल के मैच का लेखा जोखा था, और आइए अब बात करते हैं हम आज के मैच की। आज का मैच होगा मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच। दोनों ही टीमें बहुत ही जबरदस्त हैं, और हम आज बहुत ही मुश्किल होगा कहना कि कौन सी टीम आज मैच जीत सकती है। मुंबई इंडियंस में आज खेलने की संभावना है तो वो रोहित शर्मा होंगे, क्वांटम डीकॉक खेल सकते हैं, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कैरोन पोलार्ड खेल सकते हैं, हार्दिक पंड्या, कुणाल पंड्या, जेम पीटरसन, कॉलर नाइल, राहुल चाहर, टेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, ये 11 खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन किंग्स 11 पंजाब की बात करें तो केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, निकोलस पूरन, क्रिस गेल आज मैच में एंट्री कर सकते हैं, अभी तक कोई मैच खेला नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल, जेम्स नसीम, सरफराज खान और एम आश्विन, रवि बिश्नोई, सोल्डन कोटेल और मोहम्मद शामी, ये 11 में हो सकते हैं आज। और आज जो मुख्य जो मैं बात करूं कि बल्लेबाजी का दारोमदार, आज रोहित शर्मा को रन बनाने होंगे अगर मैच जीतना है। क्वांटम डीकॉक अच्छे हैं, ईशान किशन पिछले मैच में अपना परफॉर्म दिखा चुके हैं, कैरोन पोलार्ड भी दिखा चुके हैं, फॉर्म में आ चुके हैं, तो मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ही
अच्छे फॉर्म में, और पिछले मैच को वो सुपर ओवर में लेके गए थे, अंतिम चार ओवरों में इन्होंने 80 रन बनाए थे। तो और जसप्रीत बुमराह बॉलिंग के लिए हैं, जेम पीटरसन्स हैं, और कुणाल पंड्या, हार्दिक पंड्या, राहुल चारे, टेंट बोल्ट, बॉलिंग बहुत जबरदस्त है मुंबई की। केएल राहुल कप्तान है किंग्स इलेवन पंजाब के, और बल्लेबाजी में सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा अभी तक आईपीएल में इनके नाम रन है, 222 रन अभी तक बना चुके हैं, पहले नंबर पर बने हुए हैं। मयंक अग्रवाल दूसरे नंबर पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो टॉप दो बल्लेबाज जिस टीम में हों तो उसके जीतने की संभावना और बढ़ जाती है। करुण नायर बहुत अच्छे हैं, निकोलस पूरन, क्रिस गेल आ गए, और ग्लेन मैक्सवेल तो खेल ही रहे हैं, और क्रिस गेल आज आ जाते हैं तो पंजाब की टीम को जीतने से शायद कोई रोक नहीं पाएगा। बॉलिंग की बात करें तो सरफराज खान है, एम आश्विन, रवि बिश्नोई, सोल्डन कोटल और मोहम्मद शामी, बॉलिंग में भी कमी मेरे को नज़र नहीं आ रही है। दोनों ही टीमें बहुत ही संतुलित, बहुत ही खतरनाक टीमें हैं और कोई भी मैच जीत सकती है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि आज मुझे लग रहा है कि आज शायद किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की जीतने की मुझे संभावना ज़्यादा दिख रही है। इसका कारण है केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जैसे बल्लेबाजों का फॉर्म में होना, और निकोलस पूरन और करुण नायर का साथ मिलता है, और क्रिस गेल की अगर एंट्री हो जाती है तो किंग्स इलेवन पंजाब की ताकत दोगुनी हो जाएगी। देखिए क्रिस गेल रन नहीं बनाए लेकिन टीम में आने की वजह से दूसरी विपक्षी टीम है उस पर दबाव बहुत बढ़ जाता है, तो यह दबाव काम करेगा आज मुंबई इंडियंस पे। और मुंबई इंडियंस कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, खेल रहे हैं पर खिलाड़ी, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी कप्तान की मुझे नजर आ रही है। तो कल जो मैच में टॉस जीता था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। अभी तक जो 12 मैच हुए हैं उसमें तीन टीमें, तीन मैच ऐसे हुए हैं जो बाद में स्कोर का पीछा करके टीमें जीत पाई हैं, और फिर भी कप्तान टॉस जीत करके बॉलिंग लेते हैं, विपक्षी टीम से बल्लेबाजी करा रहे हैं, तो वो तो कप्तान जाने क्या सोचकर करते हैं, और बाद में बैटिंग करके स्कोर का पीछा करके हार भी रहे हैं। तो आज क्या होगा, आज मैं समझता हूँ अगर जो भी टीम जीते, और चाहे मुंबई इंडियंस या किंग्स इलेवन पंजाब टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जीत की संभावनाएं कुछ ज़्यादा रहेंगी। और ये जो अबू धाबी का जो स्टेडियम है मीडियम क्लास का है, मतलब ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, लेकिन शाम के समय यहाँ भी बॉल जो है भारी हो जाती है। शेख जायद स्टेडियम की ये खासियत है, बॉल नीची रहती है तो थोड़ा मुश्किल तो होता है रन बनाना, लेकिन असंभव नहीं है, चौके छक्के मारे जा सकते हैं थोड़ी हिम्मत करके। तो आज मुझे लगता है कि पूरी संभावना है आज किंग्स इलेवन पंजाब आज का मैच जीत सकता है। और कल के मैच की भविष्यवाणी और आज के मैच की समीक्षा लेकर कल मैं आपके सामने फिर हाजिर हूंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।